प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय उसका 13वां वचन। जब उन्होंने पत्रस और यहोन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से अंगीकार विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। प्रियो, हम जीवन में दूसरों का अंगीकार करते हैं और दूसरे भी हमारा अंगीकार करें, यह एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मन को दुखित करने वाली बात वो होती है जब कोई हमें गलत रूप से समझ लेता है और उसी प्रकार हमारा अंगीकार करता है। एक पारिवारिक जीवन में जय पानी है तो पत्नी, बच्चे, परिवार के मुख्य सदस्य का अंगीकार करने को उन्हें तैयार होना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हमारे आत्मिक जीवन में विजय पानी है तो हम जिस सभा में जाते हैं उस सभा के विश्वासी जन और सभा के उत्तरदायित्व को संभालने वाले प्रधानों का हमें अंगीकार करना होगा। उसी प्रकार यदि हमारी नौकरी में जय पानी है तो हमारे मालिक और कार्य प्रभारियों का अंगीकार करने को हमें तैयार होना पड़ेगा। यहाँ जन समूह पत्रस और यहोन्ना का अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समूह के सामने वो साधारण और अनपढ़ हैं। उनकी बातों में वचन की सेवा और उनके जीवन में आश्चर्य और अद्भुत काम करने वाला प्रभु संग था। एक पल जन समूह उनका अंगीकार नहीं कर पाई लेकिन बाद में उनका अंगीकार किया गया। प्रियो, हम दूसरों के अंगीकार के लिए जीने वाले ना होने पाए लेकिन जीवन में जिनके हम अधीन हैं उनका हम अंगीकार करने वाले बने। यहाँ एक पुरानी कहावत को थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। डोंट वॉक एज इफ यू रूल द वर्ल्ड, वॉक एज इफ यू डोंट केयर हु रूल्स द वर्ल्ड। आप वैसे मत चलिए जैसे आप दुनिया पर राज करते हैं, बल्कि ऐसे चलिए कि आपको परवाह नहीं कि दुनिया पर कौन राज करता है। इस कहावत में बदलाव यह करना है, हम दुनिया पर राज करते हैं ऐसा सोच के मत चलिए। यह बात बिल्कुल सही है लेकिन दुनिया में कौन राज करता है उससे मुझे कोई परवाह नहीं ऐसा सोचकर ना चलिएगा, बल्कि उनके अधीन हम जीवन जीने के बाध्य हैं ये आप जानिएगा। बताने का अर्थ ये है कि दुनिया हमारा अंगीकार करे ना करे लेकिन जिनका हमें अंगीकार करना है उनका जरूरी रूप से हम अंगीकार करें। पति पढ़े लिखे नहीं हैं तो पत्नी पति का या पति पत्नी का अनादर ना करें। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, बालकों अपने माता पिता के अधीन रहो। और ये जानकर माता पिता बच्चों को या पति पत्नी को जबरन अपने अधीन करने का ना सोचें, ऐसा करने से उनका जीवन पराजित हो जाएगा। दूसरे देशों के मुकाबले हमारे भारत देश की विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। एक समय ऐसा था जब भारत में विभिन्न भाषा, संस्कार, धर्म के विश्वासी एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब हर किसी के खून में मतभेद और शत्रुता घुली हुई है। प्रियो, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता मानकर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करूं तो उसका कारण यह होगा कि वही एक सच्चा उद्धारकर्ता है और यह मैंने अंगीकार करा है इसलिए ऐसा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं दूसरे धर्मों का अनादर करूं। इसलिए प्रियो, आज इस दिन में जो बात हमें ग्रहण करनी है वो यह है कि हमारे किसी भी बात से या हमारे किसी भी व्यवहार से दूसरों को हम अनादर ना करने पाएं। प्रभु ने अन्य, परदेशी और पापों में फंसे हुए हम को स्वयं के संतान की तरह हमारा अंगीकार करा है और उस प्रभु को हम अपना सच्चा उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार करते हैं, तो उसी प्रकार हमें भी दूसरों का अंगीकार करने वाला होना चाहिए। मनुष्य उन नियमों का पालन करे जिसमें प्रभु विश्वास में कोई विघ्न ना आने पाए। धरती के शासकों का हम अंगीकार करें।
प्रभु के दिए गए आत्मिक नेतृत्व का हम अंगीकार करें। प्रभु ने हमें जिस परिवार में रखा है वहाँ के मुखिया का, माता पिता का, बच्चों का अंगीकार करने वाले हो, इसलिए आपस में अंगीकार करने वाले हो, प्रभु के अंगीकार को प्राप्त करने वाले बनने पाए। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।